जीता जागता उदाहरण है कि जिस हिसाब से प्रदेश में ऐसी घटना हो रही है और आज जो ये घटना हमारे क्षेत्र में हुई, ये बहुत कष्टदायक है और पूरा क्षेत्र और पूरा इलाका बहुत दुखी है। जो भी इसमें ओरिजिनल मुलजिम हो, जो ये घटना घटाया हो, उसको सरकार रोक करे, किसी अन्यथा को न फंसाए, यही मेरी मांग होगी सरकार से। जौनपुर में हुए बीजेपी नेता हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। 7 मार्च को दिन दहाड़े सरेआम बीजेपी नेता प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे करीब प्रमोद यादव अपने घर से अपनी कार से निकले और रास्ते में जब वो जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर पहुंचने वाले थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने से उन्हें सड़क पर रोक लिया और जैसे ही बीजेपी नेता ने शीशा नीचे किया तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घायल हालत में बीजेपी नेता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की हत्या के बाद उनके घर पर यूपी तक की टीम पहुंची और देखा तो लोगों का तांता लगा हुआ था। बीजेपी नेता के परिवार वालों से मिलने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंचे और इसी दौरान जौनपुर की मलहनी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव भी पहुंच गए। लकी यादव वही विधायक हैं जिन्होंने धनंजय सिंह को कई बार चुनावी मात दी है। धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा हो गई और अगले ही दिन यानी 7 मार्च को प्रमोद यादव की हत्या कर दी गई। बीजेपी के जिला मंत्री प्रमोद यादव को धनंजय सिंह का करीबी कहा जाता था। ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठने लगे। अब इस हत्याकांड के बाद प्रमोद यादव के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता लकी यादव पहुंचे और योगी सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की सनसनीखेज हत्या के बाद उनके गांव में मातम पसरा है। हम गोधापुर गांव में हैं, जो उनका पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं मिलने जुलने वाले लोग आ रहे हैं, शोक संवेदनाओं का दौर जारी है। लोग आए हैं यहां पर, यहां पर जो मल्हनी के विधायक लकी यादव हैं वो भी पहुंचे हैं, तमाम लोग हैं। हम एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या सोच है। आप देख सकते हैं लगातार जो है मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से दुखद पल है। पूरे परिवार में मातम है और लोग काफ़ी दुखी हैं, दुख जो है इनके चेहरों से जल रहा है। लकी यादव आए हैं जो विधायक हैं मल्हनी के। लकी जी क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? अब ये तो जीता जागता उदाहरण है कि जिस हिसाब से प्रदेश में ऐसी घटना हो रही है और आज जो ये घटना हमारे क्षेत्र में हुई, ये बहुत कष्टदायक है और पूरा क्षेत्र और पूरा इलाका बहुत दुखी है। अब मैं तो अभी तो केवल परिवार के साथ संतना देना चाहूँगा, जहाँ भी वो आत्मा हो भगवान उसको वो रखे। फिर एक सरकार से मांग करूँगा कि जो भी इसमें ओरिजिनल मुलजिम हो, जो ये घटना घटाया हो, उसको सरकार रोक करे, किसी अन्यथा को न फंसाए, यही मेरी मांग होगी सरकार से। तो प्रमोद यादव के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों का ताता लगा हुआ है। प्रमोद यादव के जानने वाले और अलग अलग गांव के लोग उनके घर पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री की हत्या के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं लोगों की अलग अलग आ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया और उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव ने ये भी कहा कि जो लोग असल में इस हत्याकांड से जुड़े हैं, उन्हें ही उठाकर, उन्हें ही गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें इस हत्याकांड में ना फंसाया जाए। लकी यादव ने कहा कि जो लोग आरोपी हैं, उन्हें पकड़कर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, किसी भी ऐसे आदमी को इसमें ना फंसाया जाए जिसका इस घटना से लेना देना नहीं है। एक तरफ पुलिस इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बता दें कि अभी तक पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी इस हत्याकांड से जुड़ी नहीं की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और जो विपक्ष है वो योगी सरकार पर हमलावर है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जौनपुर से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।